जी कुछ अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों। मैंने बैचलर्स अपने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से किया है और मास्टर्स प्रिंट मेकिंग से बड़ौदा यूनिवर्सिटी से किया है। और मेरा काम कुछ नेचर को लेकर है, नेचर में जो छिपी हुई शक्तियाँ होती हैं उनको मैं अपने विजुअल लैंग्वेज के थ्रू देखना चाहती हूँ। तो मेरा आर्ट प्रैक्टिस कुछ उन्हीं को लेकर है, जो फॉलन लीव्स होती हैं, जो मुरझाई हुई पत्तियाँ होती हैं या फूल होते हैं, तो वो किधर जा रहे हैं एट द एंड, वो मतलब डेथ उनका कैसे हो रहा है, डिके कैसे हो रहा है, तो उसको उस प्रोसेस को मैं अपने विजुअल लैंग्वेज में देखना चाहती हूँ। तो वही मेरा आर्ट प्रैक्टिस है। तो आपने कहाँ से सीखा है ये सब? स्टार्टिंग मेरा लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से हुआ है। जो भी मेरा आर्ट का जर्नी शुरू हुआ है वो जब मैं कानपुर से लखनऊ गई, फिर वहाँ पे मेरे प्रोफेसर राजन फुलारी सर मिले, उनके थ्रू मैं इस फील्ड में आगे इस यहाँ तक पहुँची पाई हूँ। तो प्रिंट मेकिंग में उन्होंने मेरे गाइडर प्रिंट मेकिंग में वही थे राजन फुलारी सर, और उनके ही थ्रू फिर मुझे मास्टर्स में भी और प्रिंट मेकिंग में थोड़ा और एक्सपोज करने को मिला। और ये प्रिंट मेकिंग क्या होता है? प्रिंट मेकिंग बेसिकली मल्टीपल एडिशंस है। लाइक पेंटिंग में क्या एट अ वन टाइम कैनवस में कलर एट अ वन टाइम एक ही बार होगा, बट प्रिंट मेकिंग में वी कैन क्रिएट मल्टीपल प्रिंट्स ऑफ दैट सेम ड्राइंग। तो प्रिंट मेकिंग बेसिकली सरफेस मीडियम पे होता है, तो वो वुड होता है, आयरन प्लेट होता है, जिंक प्लेट, लीथो बेसिकली स्टोन पे होता है, लाइम स्टोन पे। तो दीज आर बेसिकली अ टेक्निक बेस्ड ड्राइंग। तो वी क्रिएट अ ड्राइंग ऑन द सर्फेस एंड देन वी टेक आउट द प्रिंट्स एज मच एज वी वॉन्ट। जैसा कि सुनने में आ रहा है बड़ा डिफिकल्ट, प्रिंट मेकिंग थोड़ा लेबरस वर्क है एज कम्पेयर टू पेंटिंग। और बहुत कम इसके मतलब किसको करने वाले हैं? नहीं, प्रिंट मेकिंग का स्कोप काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। पर जो हमने प्रिंट मेकिंग में यहाँ पे चुना वो हमने नया मीडियम कुछ भी नहीं चुना है। हम जो मुझे जो पड़ा हुआ मिलता है सामान, या आयरन प्लेट हो गया, तो जो रॉटन रस्टेड आयरन प्लेट्स होते हैं उसको हम रिवर्क करते हैं, उस पर हम रिवर्क कर रहे हैं। तो उसमें एचिंग करने में फिर आपको कितना मतलब क्या क्या करना पड़ता है उसमें? एचिंग इज बेसिकली एसिड के साथ रिएक्शंस के साथ उसका खेल है। तो प्लेट पे वी ड्रॉ एंड देन वी पुट द प्लेट ऑन द एसिड, उसके बाद जितना हम टाइम एसिड पे प्लेट डालेंगे उतना देर वो बाइट करेगा, उतना थिक लाइन आएगा, उतना फाइन लाइन आएगा। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू पुट द प्लेट इन द एसिड एंड देन वी टेक आउट द प्रिंट्स। तो बड़ा डेंजरस है। यस यस, बिकॉज एक तरफ पेंटिंग को जहाँ हम देखें, जो पेंटिंग का या स्कल्पचर का जो एक तरीका है करने का, बहुत वो माध्यम बहुत सरल, मतलब इस नाते बहुत सरल है, लेकिन एचिंग में आप एसिड से भी खेल रहे हैं और भी तरीके, टूल्स भी बहुत मतलब हार्मफुल होते हैं, बहुत पॉइंटेड, और वी हैव टू वेरी प्रिकॉशियस बिफोर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मतलब खेल की तरह हम लोग प्रिंट मेकिंग नहीं कर सकते। प्रिंट मेकिंग में वी हैव टू बी अ वेरी सिस्टम के साथ हम लोगों को करना पड़ेगा, ऐसा होता है। 2016 से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ, फिर वहाँ पे हमने पेंटिंग लिया था बट ऑप्शनल हमारा प्रिंट मेकिंग था। तो फिर जब प्रिंट मेकिंग में गए तो ये मीडियम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत टेक्निकल, बहुत मशीन के साथ खेलना, तो पेंटिंग से थोड़ा हटके लगा, तो फिर मेरा मन प्रिंट मेकिंग की तरफ गया फिर। और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि एक स्कल्पचर भी आपने वुडन स्कल्पचर ही बनाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जब ये वुडन स्कल्पचर मास्टर्स में मैंने किया प्रिंट मेकिंग करते हुए दौरान, तो जब उधर मैं प्रिंट मेकिंग कर रहे थे उस टाइम पे हम वुड एंग्रेविंग कर रहे थे प्रिंट मेकिंग में। तो वुड एंग्रेविंग में व्हेन आई वाज डूइंग, तो उसमें एक 3D फॉर्म एक क्रिएट होने लगा, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि एक 3D फॉर्म कैसे एक 2D सर्फेस पर क्रिएट हो रहा है। फिर आई वेंट टू स्कल्पचर डिपार्टमेंट एंड आई रिक्वेस्टेड कि इफ़ आई कैन डू स्कल्पचर और नॉट, तो दे हेल्प मी अ लॉट, तो आई डिड दिस। तो I took 2 hours daily from print making department in the evening and I did this in 6 months. It's a very small piece in according to 6 months, but I took 2 hours daily I did. इतना छोटा नहीं है मतलब, नहीं, बट स्कल्पचर वालों के लिए बहुत छोटा है। जिनको पता चलता है 6 महीने में किया तो दे शौक कि 6 महीने में सिर्फ इतना किया, तो उस हिसाब से हमने नहीं किया था कि मुझे काम क्रिएट करना है, बट मुझे मज़ा आ रहा था जब ये हम कर रहे थे, तो ये बच्चे की तरह मेरे से कनेक्ट हुआ। 6 महीना रोज दो दो घंटा उसको एक क्रिएट हो रहा था, डेली कुछ ना कुछ एक क्रिएट हो रहा था, एक बेबी एक क्रिएट हो रहा था, तो वो बहुत कनेक्ट हुआ मुझे ये। तो आगे स्कल्पचर के साथ भी आप क्या प्रिंट मेकिंग को कहीं मर्ज करने का सोचा है आपने?
जब ये कर रहे थे तो जब इसके जो टेक्सचर्स हैं ये पूरा वुड एंग्रेविंग के ही हैं टेक्सचर्स, इतना स्कल्पचर में आई डोंट थिंक कि कोई करता है। तो ये जो टेक्सचर्स जो है ये प्रिंट मेकिंग से ही आया है इसमें स्कल्पचर में। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग को मर्ज करने का कोशिश ट्राई करेंगे। तो अभी तो स्कल्पचर ही मेरा पहला है, तो मुझे और स्कल्पचर्स अभी बनाने के लिए अभी और मन है, वुड में ही करने का मन है, क्योंकि वुड और प्रिंट मेकिंग में भी वुड होता है तो काफ़ी कनेक्ट करते हैं उससे हम। तो स्कल्पचर सीखना है, बाकी प्रिंट मेकिंग में भी कई मीडियम्स हैं जो अभी हमने नहीं किए हैं, तो वो भी मुझे अभी सीखना, वो भी मुझे करने हैं अभी। तो प्रिंट मेकिंग के लिए क्या है कि वी नीड स्टूडियोज़, तो उसके लिए अभी हमने अप्लाई किया है, तो होप सो अगर मिलता है तो आई विल ट्राई देयर। दिल्ली में ही आपने अप्लाई किया है? ललित कला के लिए फॉर्म भर है, हाँ। तो ललित कला का है, लखनऊ में भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, ऐसे है। तो आपको फिर लखनऊ जाना पड़ेगा, आप दिल्ली बेस्ड हैं? नहीं, आई एम प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली बट नॉट येट, हाँ। अगर इफ आई गेट टू सेटल इन लखनऊ आई विल गेट देयर, बट दिल्ली मेरा आना जाना लगा रहेगा, ऐसे दिल्ली से नाता जुड़ा रहेगा।